हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के एलएसी 10 के मतलब एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन पेपर को मैंने आप लोगों की जो एलएसी 10 वाली बुक है उससे सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हैं वो आपकी बुक से लिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने एग्ज़ाम में एलएसी 10 में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं और अगर आप लोगों की दो या तीन बार बैक आ चुकी है और आप लोग चाहते हैं कि इस बार आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो आप लोग इसके लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को इनका स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छी तरीके से इनको स्टडी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप लोग इनके स्टडी नहीं करोगे तब तक आप लोग इस वाले एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप लोग अगर अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं बिना बुक्स के, तो फ्रेंड्स आप लोगों को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी होगी। बाकी के जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट पार्ट में। बाकी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर तीन सेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, ताकि आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाएँ। या फिर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इनका PDF चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इनका PDF अपलोड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट नहीं होते हैं और इसलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा भी नहीं है। और इसका आंसर जो है वो आप लोगों के चैप्टर 3 के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे है आप लोगों का यहाँ पे बी नंबर पे, डिस्क्राइब द एपिडर्मल डेरिवेटिव्स इन बर्ड्स एंड देयर फंक्शंस। तो ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छी तरीके से करनी है। इवन जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व कर रखे हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उसको मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और इनके आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। 5th नंबर के ए पार्ट में यहाँ पे पूछा गया है, डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेस। तो फिशेस के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, एम्फीबियंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का यहाँ पे, डिस्कस द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस। टॉपिक्स वही रहते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा दिया जाता है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स को क्लियर करना है ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखते हुए चलिए और इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे। मैंने यहाँ पर इग्नू के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BSc वाले स्टूडेंट के लिए और काफ़ी हद तक के सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप BSc ओल्ड स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वीडियोस चेक कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं यहाँ पर जो काफ़ी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ज़्यादातर मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं इग्नू में। तो इग्नू की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और इनकी ही प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे एंडोथर्मल हर्ट एंड मोनोट्रेमेटा। तो इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर आता है यहाँ पे आप लोगों का जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, मैंने चैप्टर नंबर भी मेंशन कर रखा है और साथ में जो छोटे छोटे सेंटेंसेस लगे मैंने उनको यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों का प्रोनेफ्रोज, ठीक है। प्रोनेफ्रोज वाला जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज और मिजोनेफ्रोज, ये तीनों ही टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। यहाँ पर एक टॉपिक है, आगे हो सकता है अभी दो टॉपिक और आपके आए, मैं आपको मेंशन कर दूंगी उसको, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों टॉपिक में से आप लोगों का एक टॉपिक जरूर आता है, प्रोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज और मिजोनेफ्रोज में से, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लैम्प्रीज, ठीक है। लैम्प्रीज के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको यहाँ पे लिख रखा है, नोट डाउन कर रखा है, आप लोग इनको देख लीजिए और अच्छे तरीके से आप लोग इनको स्टडी कर लीजिएगा। सॉल्व करते वक्त मुझे ये क्वेश्चंस नहीं मिले थे तो उसके लिए मैंने स्पेस कम छोड़ दी थी, फिर बाद में मुझे ये क्वेश्चन मिल गए थे तो इतनी स्पेस में यह आंसर आ नहीं पाता, इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग आराम से इन्हें फाइंड आउट करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ।
तो फ्रेंड्स आप लोग इन्हें अपनी बुक से नोट डाउन कर अपने इन पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है फिर यहाँ पे आप लोगों का सिंपैथिक एंड पैरासिंपैथिक नर्वस सिस्टम के बीच का डिफरेंस आप लोग अगर ऐसे बनाएंगे तो आप लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अगर पैराग्राफ वाइज डिफ्रेंशिएट करना चाहें टॉपिक को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है थोड़ा आंसर शीट का लुक आ जाता है और जो चेकर होते हैं उन पर इफेक्ट अच्छा पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने आंसर्स को लिखना है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इग्नू में आप लोगों का आंसर शीट को खाली नहीं छोड़ कर आना है, आंसर शीट को अच्छे से फिल करना है आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा फिल करना है। स्टार्टिंग का तो आप लोगों को कोशिश करना है कि बिल्कुल करेक्ट आप आंसर लिखें, उसके बाद आप लोग उससे रिलेटेड कोई टॉपिक डालकर उसे आंसर को थोड़ा लार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से भी पेपर किया है और अगर आप लोगों ने आंसर शीट में 7-8 पेज ही भरे हैं तभी आप लोग ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने अपने आंसर्स को 70% एक्यूरेसी के साथ अगर अच्छी तरीके से फिल किया है अपनी आंसर शीट को तब आप अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 80% तक आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर शीट भी अच्छी तरीके से फिल करनी है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये वाला नहीं है, यहाँ पे फ्लैपिंग फ्लाइट का मैंने ये टॉपिक लिख रखा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ऊपर भी है। इस वाले का यहाँ पे मैंने पार्ट लिख रखा है जो मुझे इजी लगा ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये इसका आंसर नहीं है। इसका जो आंसर है डबल सर्कुलेशन का वो यहाँ पर है, तो आप लोग देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। एंड डी नंबर पे है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर फाउंड इन वर्टेब्रेट्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर 11 के अंदर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। पिट ऑर्गेन्स वाला भी काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है, इसे आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है। इकोलोकेशन इन बैट्स एंड पिट ऑर्गेन्स इन स्नैक, ये दो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एंड फिर एफ नंबर पर आता है इम्प्रिंटिंग एंड शूज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेबल है लेकिन इतना ही रिपीटेबल नहीं है जितने कि ये वाले दो क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, पिट ऑर्गन्स एंड इकोलोकेशन इन बैट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका पूरा आंसर। फिर है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब स्कैंसोरियल टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनकी अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल अलग है। फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला नहीं है, ये आप लोगों का इस वाले क्वेश्चन का आंसर है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटा फाउंड इन वर्टेब्रेट्स, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आप लोग यहाँ से इसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स वाला जो क्वेश्चन है ये पीछे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, उसके हेल्प से आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे है आप लोगों का डिस्क्राइब वेरिएशन इन यूरिनरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, तो इसका भी आंसर यहाँ पे लिख रखा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी है। एंड यहाँ पर ये मैंने बताया था आप लोगों को मेसो नेफ्रोज और मेटा नेफ्रोज के बारे में, तो मेटा नेफ्रोज इन दो टॉपिक को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इन्हें मैंने सेपरेटली लिखा है, किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं थे, ये पिछले क्वेश्चन पेपर्स में थे, जो 15-16 के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनके अंदर ये टॉपिक्स थे, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छी तरीके से करनी है। ये आप लोगों के LSC 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करनी होगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, अगर जितने ज़्यादा स्टूडेंट हैं इस वीडियो के ऊपर कमेंट की PDF के लिए तो मैं जल्द से जल्द इसका PDF आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर दूँगी। अदरवाइज़ आप लोग इसका PDF WhatsApp पर परचेस कर सकते हैं, WhatsApp नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर इसको PDF को परचेस कर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को LSC 9 के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स की PDF भी मिल जाएगी, LSC 7, LSC 6 सभी तरीके के जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी PDF आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर अपने जो सॉल्व असाइनमेंट हैं और जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं उनकी PDF परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को नेक्स्ट के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए आप लोग उसके लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।